नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बता दें कि इस समय मौसम पूरी तरीके से खराब हो गया है, जमकर बारिश हो रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, वहीं केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है। बता दें कि इस भारी बारिश के चलते दिवाली के मौके पर बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज धनतेरस का त्यौहार है और कल छोटी दिवाली, 12 नवंबर को बड़ी दिवाली है। लेकिन दोस्तों आज से भारी बारिश शुरू हो गई है बाजारों में। दोस्तों जहां एक तरफ रौनक थी, लेकिन अब भारी बारिश के चलते वहां सन्नाटा पसर गया है। व्यापारियों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है, भारी बारिश से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिसका असर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर भी आज रात 11 बजे के बाद में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा समेत लगभग 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे बुरा हाल दोस्तों इस समय तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों बादल फट गया है, भयंकर बाढ़ बर्बादी दोस्तों यहां देखी जा रही है। 12 जिलों में यहां जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिनमें तिरुवरूर, तंजावुर, नागापट्टिनम, चेन्नई, मलयादुथुरई, पुदुकोट्टी, शिवगंगई, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, थूथुकुड़ी, थेनकासर, कन्याकुमारी जैसे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भीषण भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे के कल्लार और कुन्नूर खंडों के बीच भयंकर भूस्खलन और गिरे हुए पेड़ों के कारण ट्रैक बाधित हो गया है, जिसके चलते 16 नवंबर तक दोस्तों सेवाएं यहां बंद कर दी गई हैं। वहीं तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश का भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर भी बेमौसम बारिश हो रही है, वहां भी दोस्तों कई जिलों का हाल बेहाल हो गया है और अगले 3 दिन तक जमकर बारिश, ओलावृष्टि, तेज रफ्तार से आंधी तूफान चल सकता है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों से दूर रहें। वर्तमान में आप हमारी वीडियो किस क्षेत्र से देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।